आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने सिलेक्ट लर्निंग अड्डा पर। तो बच्चों, आज हम देखने वाले हैं थर्ड लेक्चर। इसमें हम आज पढ़ने वाले हैं गोलीय दर्पणों में प्रतिबिंब का बनना, ये प्रतिबिंब कैसे बनते हैं। तो पिछले लेक्चर में हमने बात किया था प्रतिबिंब की कुछ बनाने के नियम। चार नियम होते हैं, कितने? चार। तो अगर आपने लेक्चर नंबर सेकंड नहीं देखा है तो आप उसको देख कर आइए, जिससे आपको इंटरेस्ट आएगा इमेज फोटो कैसे बनाएं। चलिए आगे बात करते हैं, ये इमेज कैसे बनने वाला है, कैसा दिखेगा, ये कितना बड़ा होगा, ऐसा कुछ हम बात करने वाले हैं। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं गोलीय दर्पण में प्रतिबिंबों का बनना, फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाई स्फेरिकल मिरर। तो देखिए, आइए समझते हैं हम कहाँ कहाँ खड़े होंगे, ठीक है, जहाँ से हम अपना फोटो देख सकते हैं, इमेज अपना बना सकते हैं। तो देखिए कुछ पॉइंट्स होते हैं यहाँ पर, जैसे मान लेते हैं जो सबसे ज़्यादा दूर है उसको अनंत मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? अनंत, ठीक है। ये आप जानते हैं, ये आपका ध्रुव होता है, ये आपका फोकस होता है, और ये वक्रता केंद्र होता है। तो आप जो वस्तु लाने वाले हैं या आप अपने आप को, है ना, फोटो देखने वाले हैं अपना, तो आप कहाँ कहाँ खड़े हो सकते हैं या वस्तु कहाँ कहाँ हो सकता है, पहले उसको समझ लेते हैं। तो आपका वस्तु एक बार अनंत भी हो सकता है, उसके बाद इस वस्तु का अगर मन करे तो ये अनंत से लेकर के केंद्र के बीच में भी हो सकता है, कहीं पर भी। तो एक स्थिति आपकी ये हो गई, दूसरी स्थिति आपकी ये बन सकती है केंद्र पर हो जाए, तीसरी स्थिति आपकी बन सकती है केंद्र और फोकस के बीच में हो जाए, और चौथी स्थिति होगी, पांचवी स्थिति आपकी फोकस पर हो सकती है, और छठी स्थिति फोकस और पोल के बीच हो सकती है। तो यहां पर हम देखने वाले हैं जो आपका अवतल दर्पण होता है, क्या होता है? अवतल दर्पण। जैसे ये आपका कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब की स्थिति होगी, है ना, छह जगह वस्तु को रख सकते हैं, तो छह जगह से मुझे क्या मिल जाएगी? प्रतिबिंब की स्थिति। अब वो कैसा होगा दिखने में? छोटा होगा, बड़ा होगा, वास्तविक होगा कि आभासी होगा, उल्टा होगा कि सीधा होगा, ऐसा कुछ हम आज देखने वाले हैं। तो चलिए समझते हैं किसके लिए? अवतल दर्पण के लिए प्रतिबिंब का बनना। इसका जो साइज है ना इमेज का, ये चेंज होता रहेगा। देखिए ध्यान से, जब हम दर्पण की तरफ लाते हैं तो इसका जो साइज है इमेज का, ये आपका इमेज है नीचे वाला, तो ये एक तो उल्टा बन रहा है नहीं दिखने में, उल्टा, और उसके बाद इसका जो साइज है ना चेंज हो रहा है। जब सेंटर पर आया तो इसका साइज जो है सेम आकार का है, समान आकार का है, और जैसे हम सेंटर से आगे की तरफ बढ़ते हैं तो आप देख सकते हैं इसका साइज जो है ना बढ़ता जा रहा है, और फोकस की तरफ, है ना, जाते जाते ये देखिए ध्यान से बहुत बड़ा हो रहा है। ध्यान रखना अवतल दर्पण में कि सेंटर और फोकस के बीच में अगर वस्तु रखी है तो उसका जो इमेज का साइज होता है वो बड़ा होता है। क्या होता है? बड़ा। जैसे ये फोकस पे पहुंचेगा ना, समांतर हो जाएंगी किरणें, और ये वस्तु जाकर के कहाँ पर मिलेगा? अनंत पर। क्यों? क्योंकि ये दोनों लाइटें कहाँ पर मिलने वाली हैं? मान ले अनंत पर, तो अनंत पर बनेगी इमेज आपकी। अब थोड़ा सा अगर हम आगे जाते हैं तो ये तुरंत अपनी दिशा को बदल देता है, ठीक है, मतलब फोकस से इधर वास्तविक कभी भी इमेज आपको नहीं मिलता है। किधर? जब आप फोकस और पोल के बीच में जाते हैं तो ये जो लाइन आई है ना, ये लाइन, ये दर्पण के पीछे बन रही है। किधर बन रही है? दर्पण के पीछे। और फोकस और ये आपका पोल है, जब होता है तो वस्तु सीधा बनता है और बड़ा होता है। क्या होता है? बड़ा होता है हमेशा। आप देख सकते हैं, क्वेश्चन आ सकते हैं ऐसे कि उस दर्पण का नाम बताइए कि उससे वस्तु हमेशा बड़ा हो और सीधा हो, ठीक है, तो उसका क्या नाम है? अवतल दर्पण है। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए आइए देखते हैं इनके कुछ इमेज बनाना जब वस्तु आपका अनंत पर हो। देखिए यहां पर एक वस्तु है, ठीक है, ये आपका अनंत बिंदु है, तो अनंत पे हमेशा हम वस्तु को रखेंगे। जब वस्तु कहाँ पर हो? अनंत पर हो। तो यहाँ से मुझे एक फोटो बनानी है इसकी,
अब फोटो बनाना है तो आइए समझते हैं। इससे कहेंगे, इस आदमी से या इस ऑब्जेक्ट से बोलेंगे, आप तो लाइट डालिए, अगर आपका इमेज बनाना है तो। तो ये कहेगा ठीक है सर, दो लाइट हम पास करते हैं। एक ये समांतर डाल देगा, कैसे डालेगा समांतर, तो ये फोकस से होके जाएगा, यहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये आया परावर्तन के पश्चात, ये फोकस से होके गया, फिर इससे बोला एक लाइट और पास करो, ये बोला सर अनंत पर हैं, सेंटर पर डाल नहीं सकते हैं। तो हमने कहा ठीक है, तो तुम ऐसा करो समांतर एक और लाइट पास कर दो। एक लाइट और समांतर आई मुखच के, ठीक है, फिर ये फोकस से होके गया, ये बोला सर आपने देखा ये जो दोनों लाइटें हैं ना कहाँ पर कट कर रही हैं, फोकस पर कट रही हैं, कहाँ पर कर रही हैं फोकस पर, तो इमेज जो बनेगा आपका फोकस पर बनेगा। अच्छा ये बहुत छोटा वैल्यू है, देखो पॉइंट साइज का है कि नहीं, तो इसका जो आकार होगा पॉइंट साइज का होगा, कैसा होगा पॉइंट साइज का, मतलब बिंदु आकार का, कैसा होगा बिंदु आकार का, वास्तव से बहुत छोटा। तो यहाँ पर सबसे पहले नंबर आप देख सकते हैं इमेज कहाँ पर बन रहा है, फोकस पर, और बड़ा है छोटा है, बहुत छोटा है, और वास्तव में मिल रहा है ना तो वास्तविक है, जब वास्तविक होता है तो उल्टा होता है। पिछले वाले लेक्चर में हमने बात किया था, आपको दिखाया था। चलिए तो बात करें यहाँ पर प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति की जो स्थिति होगी, स्थिति जो स्थिति होगी वो आपकी कहाँ पर होगी, फोकस पर, मतलब इमेज कहाँ पर बना, फोकस पर बना। अगर हम बात करें आकार में, आकार तो इसका जो आकार होगा ना वस्तु से बहुत छोटा होगा, या बिंदु आकार का आप लिख दें, बिंदु आकार का, आकार का। अच्छा ये इसकी प्रकृति क्या होगी, नेचर, प्रकृति, ठीक है। पहला नंबर तो ये वास्तविक होगा, वास्तविक, और उल्टा होगा। ध्यान रखें उल्टा तब तक रहता है जब तक आपका वस्तु फोकस पर हो या फोकस के आपका इधर हो हमेशा, ठीक है। अगर इधर फोकस है केंद्र की तरफ, है ना, अनंत से लेकर के फोकस के बीच में अगर वस्तु है, याद रखें उल्टा रहता है, जैसे फोकस और पोल के बीच में आ जाता है तो वस्तु सीधा हो जाता है लेकिन आवासी हो जाएगा। चलिए सेकंड केस करते हैं, आपको ये समझ में आया होगा। अब यहां पर आप देख सकते हैं अब वस्तु कहां पर रहेगा, भाई अनंत पे हमने बात कर लिया, अब एक इसका पोजिशन और सेट करते हैं, इसका जो पोजिशंस होगा वो आपका अनंत, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में होगा, ठीक है। तो इस आदमी से बोल लेंगे आ जाओ, तुम आ जाओ अनंत और केंद्र के बीच में, तो ठीक है वही काम करेंगे। इससे बोलेंगे कितनी लाइट पास करो इमेज बनाना, कहेगा सर कम से कम दो लाइट, ठीक है, एक लाइट हमेशा हम समांतर ही डालेंगे, थोड़ा अच्छा रहता है। तो एक हमने समांतर डाल दिया तो ये किससे होके जाएगा, फोकस से होके जाएगा। आप डायग्राम जब बनाना एकदम सीधा बनाना, ठीक है। चलिए एक लाइट और डालते हैं, इससे बोला कि सर एक लाइट और पास करो, तो ये डाला फोकस पर डाला, मन करे तो आप केंद्र पर भी डाल सकते हैं, यू आर फ्री। चलिए अब ये ऐसे समांतर होके जाएगा, हम जानते हैं जब लाइट फोकस पर आती है तो समांतर होके जाती है। अब ये दोनों परावर्तित के पश्चात यहाँ पर कट करने वाले हैं, तो इसका इमेज यहाँ पर बनेगा। मान लो आपका ये ए है ये बी है, तो इसका जो मुंडी होगा वो नीचे बनेगा, यानी कि ए नीचे होगा और बी यहाँ पर होगा, ऐसा कुछ आदमी दिखने वाला है आपको, पूरी तरह से उल्टा दिखने वाला है। अच्छा आप बताइए प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ पर होगी, केंद्र और एफ के बीच में, वक्रता, वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच, यहां पर आपका ये प्रतिबिंब कट, दर्पण कट चुका है, ये आपका दर्पण है, वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच में होगा। और बताइए, और बीच में हमने लिखा के बीच। अच्छा आकार में कैसा है, देखना वस्तु किस से छोटा है कि बड़ा है, छोटा है जी, छोटा है, तो वस्तु से छोटा, वस्तु वहां पर क्या था बिंदु आकार का था, लेकिन यहां पर वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा,
अगर अब बात करूं प्रकृति, प्रकृति सेम रहने वाली है, कब तक, जब तक फोकस पर ना आ जाए, ठीक है, तो आपका वास्तविक होगा वास्तविक एंड उल्टा, ठीक है। तो बच्चों अगला जो हमारा पार्ट है, अब वस्तु कहां पर आएगा, दो पॉइंट हमारे डिस्कस हो गए, एक अनंत का और एक अनंत और केंद्र के बीच का, अब कौन सा रह गया, केंद्र का, ठीक है। अब वस्तु आने वाला है कहां पर, केंद्र पर। आइए समझते हैं, अब इसमें आप देखिए थर्ड नंबर में, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो तो वक्रता केंद्र आपका ये है, तो यहां पर वस्तु को खड़ा करते हैं, इसे बोलते हैं कि भाई हमें क्या डालना है, एक लाइट डालनी है, ठीक है। तो ये कितने लाइट पास करेगा, कम से कम दो, इमेज बनाने के लिए कितने लाइट, दो, तो ये आदमी लाइट पास करेगा, चलो एक लाइट डाल दिया समांतर, अच्छा तो ये किससे होके जाएगा, फोकस से होके जाएगा, कोई दिक्कत नहीं साहब, कोई दिक्कत नहीं। अब चलो इससे बोला एक लाइट और पास करो, एक लाइट और पास करो, ये लाइट एक और पास किया, यों आया, अब ये क्या होगा, लाइट ऐसा सीधी जाएगी, एकदम सीधी, ये थोड़ा मुझसे टेढ़ा हो गया, सीधी जाएगी एकदम, वो यहाँ पर कुछ कट करने वाली है, तो आप देख सकते हैं ना इसका जो इमेज है इसके जस्ट नीचे बना है, यानी कि अगर आपका ये बी ए है तो यही आपका है ना, इसका मुंडी नीचे हो गया है, तो मुंडी वाला सिरा आपका ए डैश होगा और ये आपका बी डैश होगा, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं दोनों का जो साइज है ना सेम है, जैसा कि अभी आपको हमने दिखाया था, ठीक है। जब दो लाइटें आती हैं है ना परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर कट करती हैं वही क्या होता है, इमेज। तो प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ पर है, वक्रता केंद्र पर, किस पर, वक्रता केंद्र पर, ठीक है। अच्छा आकार में कैसा होगा, समान आकार, समान आकार। अच्छा और बात करूं, ये वास्तविक होगा और उल्टा होगा, इसका जो इमेज है नीचे की तरफ है और लाइटें आपस में वास्तव में मिल रही हैं, तो ऐसे प्रतिबिंब को क्या कहते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, वास्तविक, वास्तविक प्रतिबिंब, प्रतिबिंब। चलिए एंड उल्टा होगा, कैसा होगा, उल्टा, जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं, देखिए आप ध्यान से, ये जब वस्तु यहां पर रखा है, ठीक है, जैसे ये केंद्र पर आता है तो इसका साइज और इसका साइज क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है, कैसा होता है, बराबर। तो आप यहां पर देख सकते हैं, जैसे अगर हम दो लाइट पास करें यहां से, देखिए ध्यान से ये दो लाइट निकली यहां से, अब ये क्या होगा, परावर्तित होंगे है ना, ये दर्पण पे पड़ेंगे, पड़ने के पश्चात यहां पर फिर एक बिंदु आकार का निकला था यहां पर, तो यहां पर भी बिंदु आकार का बन जाएगा, आप ध्यान से देखिए ये बना, फिर उसके बाद ये चली जाएंगी। तो अभी आपने देखा ये इमेज कैसे बनता है। अब दूसरा एग्जांपल देखिए, ये है जैसे इस वस्तु को हम लाते हैं इसके पास, अब देखिए ध्यान से, सेंटर पर जैसे पहुंचता है वक्रता केंद्र पर, तुरंत दोनों का साइड जो होता है बराबर हो जाता है ना, कितनी कमाल की बात। चलिए आगे देखते हैं, देखिए अब हम वस्तु को कहां पर रखने वाले हैं, थोड़ा सा एक स्टेप आगे, यानी कि वस्तु अभी केंद्र पर था, अब हम कहां पर रखेंगे, केंद्र और फोकस के बीच में। चलिए लाओ, किसको, वस्तु को लेके आओ, बुला के लाओ, चलो भैया तुम्हारा हम क्या बनाते हैं, इमेज बनाते हैं। ये आया आदमी बीच में, इससे बोला हमने कि भाई दो लाइट डालो, तुम्हारा हमें फोटो देखना है, कैसे हो आप, तो ये दो लाइट पास कर दिया। जब ये लाइट पास किया तो भाई समांतर डाला, तो ये किससे होके जाएगा, फोकस से होके जाएगा, कोई बात नहीं, ये फोकस से होके निकल गया ऐसे। अब इससे बोला कि एक लाइट और आप डालिए, कहा ठीक है सर एक लाइट और ले लो मुझसे, ये आया सीधा, ये यो आया, ठीक है, ये तो लाइट ऐसे गई थी, अब दूसरा ये जब फोकस पे आया ना तो कैसे जाएगा, समांतर जाएगा, आप समझ सकते हो, ये देखिए आप, तो इसका इमेज यहां पर बनने वाला है, यहां पर ये कट किया है, इसका इमेज ये हो गया। अब आप ध्यान से देखना, इसका इमेज इतना बड़ा,
देखिए, जब वस्तु आपका फोकस और केंद्र के बीच में होता है तो आपका इमेज जो है ना बड़ा बन जाता है, और उल्टा है, वास्तव में कट कर रही है तो वास्तविक है, और स्थिति कहाँ पर है? केंद्र, देखिए अनंत और केंद्र के बीच में, या आप बोल सकते हैं वक्रता केंद्र के पीछे। कहाँ पर होगा? वक्रता केंद्र के पीछे। और आकार में कैसा होगा? ये वस्तु से बड़ा होगा। क्या होगा? बड़ा होगा। प्रकृति में कैसा होगा? वास्तविक होगा, वास्तविक होगा। एंड उल्टा। आर यू गेटिंग? चलिए 5 नंबर पर करते हैं। चलो आपको इसका वीडियो एक दिखा देते हैं। देखिए जैसे ये है ना आगे बढ़ेगा तो आप देख सकते हैं इसका जो साइज है ना धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। और हमारा 5वां केस अभी हो जाएगा जब फोकस पे आ जाएगी। आप देख सकते हैं दोनों लाइटें आपस में कैसी हो गई, समांतर हो गई। तो चलिए, अगर मुझसे लाइट नहीं बना सही से, सीधा नहीं बना, तो उसके लिए माफी मांगता हूं। देखिए ध्यान से, अब देखते हैं वस्तु आपका कहां पर हो? फोकस पर रखा हो। कहां पर रखा हो? फोकस पर। चलिए वस्तु को हम फोकस पर रख देते हैं। ये हमने फोकस पर रखा, ये वस्तु आ गया, यानी कि आदमी है। इससे बोला 2 लाइट पास करो, एक लाइट ये समांतर पास कर दिया, ये गया समांतर गया तो किससे होके जाएगा? फोकस से होके जाएगा। देखिए ये लाइट एकदम सीधी जाएगी, मुझसे थोड़ा सा तिरछा बनेगा, और ये एक लाइट और पास कराओ इससे, कहेगा ठीक है। आप चाहो तो ऐसे डाल दो लाइट, ऐसे ऐसे डाल दो आप, ठीक है, ऐसे डालो कि मानो ये वक्रता केंद्र से आ रही है, तो जब इस पे 90 डिग्री पे पड़ेगी ना तो ये तुरंत उसी दिशा में परावर्तित हो जाएगा, और ये फोकस से होते हुए सीधा ऐसे निकल जाएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं दोनों आपस में कैसे हैं, समांतर हैं। तो ये जो इसका इमेज बनने वाला है कहाँ पर बनेगा? अनंत पर बनेगा। कहाँ पर बनेगा? अनंत, मतलब जो आपका स्थिति होगा, क्या होगा? स्थिति होगा। वो कहाँ पर होगा? अनंत पर होगा। स्थिति कहाँ पर होगी? अनंत पर। अच्छा एक चीज़ और, इसका आकार कैसा होगा? आकार बहुत बड़ा होगा, बहुत वस्तु से बहुत बड़ा, वस्तु से बहुत बड़ा, वस्तु से बहुत बड़ा। अच्छा एक चीज़ और, इसकी प्रकृति क्या होगी? प्रकृति, तो देखिए ध्यान से, प्रकृति में क्या करेंगे भाई? अनंत पे मिल रहे हैं जा करके, तो ये वास्तविक होंगे, वास्तविक होंगे, और नीचे की तरफ वो उल्टा तो होगा ही होगा, उल्टा। तो अब हमारा लास्ट केस होने जा रहा है, जब आपका फोकस और पी के बीच में हो आपका वस्तु। आइए समझते हैं, जब आपका वस्तु कहाँ पर हो? फोकस और पोल के बीच में हो, ठीक है। तो वस्तु मान लो आपका यहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया, इससे हमने बोला 2 लाइट पास करो आप, कितने लाइट? 2 लाइट। ये 2 लाइट पास किया, कहा ठीक है सर, ये तो फोकस से होके जाएगा, एक लाइट और इससे पास करा दिया, ठीक है। मान लो हमने इससे बोला कि तुम एक किस पे डाल दो? पोल पे डाल दो, तो कहा ठीक है पोल पे हम डाल देते हैं लाइट। जब ये जाएगा पोल पे ना तो ऐसे फैल जाएगी, ये लाइटें अनंत पर भी मिलने वाली नहीं है, अनंत पर भी मिलने वाली नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, इनको ऐसे पीछे बढ़ाएंगे। कहाँ पर बढ़ाएंगे? पीछे। तो देखिए ध्यान से, पीछे बढ़ाने पर डॉट डॉट लाइन से शो करेंगे, तो आप देख सकते हैं अगर ये ए है ये बी है तो वस्तु के सामने उसका इमेज बन जाता है, बट इसका जो साइज है ना बड़ा है, ये आपका ए और बी। तो ध्यान रखना, उत्तल ही दर्पण एक ऐसा दर्पण है जिसमें सीधा और बड़ा बनता है वस्तु के साइज से। उत्तल में ऐसा नहीं होता है, सीधा तो होता है लेकिन उल्टा छोटा होता है। तो आपने यहां पर देखा जो इसका स्थिति है दर्पण के पीछे है, कहां पर है? दर्पण के पीछे, पीछे है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट बताइए, छोटा है कि बड़ा है आकार में? वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा।
वस्तु से बड़ा है। आप इसको नोट कर दे रही है। और थर्ड नंबर क्या है? प्रकृति। प्रकृति कैसी होगी भाई? पीछे मिल रहा है, पीछे कभी कोई लाइट जा नहीं सकती है, तो हमने आभास किया। जब आभास किया डॉट डॉट लाइन से, तो इसका जो नाम पड़ा वो आभासी पड़ा, आभासी। एंड सीधा है, कैसा है? सीधा है। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उस दर्पण का नाम बताइए जो सीधा उसका इमेज बनाता हो और वस्तु से बड़ा हो, मैग्निफाई हो या आवर्धित लिखा हो। तो आप नाम ले लेना किसका, अवतल दर्पण का। किसका? अवतल दर्पण का। चलिए आगे समझते हैं। तो आप यहां पर देख सकते हैं, जब वस्तु आपका फोकस पर है तो अनंत पर मिलता है, जैसे धीरे धीरे बढ़ाते हैं ना, तो इसका जो इमेज है आप देख सकते हैं दर्पण के पीछे बन रहा है। तो यही आपका क्या होता है? आभासी होता है और सीधा बन रहा है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम आगे बात करते हैं, कुछ बात कर लेते हैं उत्तल दर्पण के लिए, नहीं तो वो बेचारा रो रहा होगा अपने लिए। तो भैया यहाँ पर हम समझेंगे उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। देखिए यहाँ पर इसका जो केंद्र है ना, इसका केंद्र और फोकस, केंद्र और फोकस सब पीछे है ना। इधर से आपका पॉलिस है, तो इधर से कोई लाइट आने वाला नहीं है, तो लाइट कहाँ से आएगा? अनंत से आएगा, और इसके बीच में पूरा खाली है। तो ध्यान रखें, जब भी हम लाइट है ना, चाहे अनंत पर हों या चाहे बीच में हों, ठीक है, दो ही स्थिति बनती है इनकी, है ना। जब वस्तु कहाँ पर हो? अनंत पर हो। तो जब अनंत पर होगा ना, तो ये ऐसे लाइट डालेगा। तो उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनाने के लिए है ना, हम कोई सी भी स्थिति ले सकते हैं, अनंत पर हो आप या चाहे ध्रुव और अनंत के बीच में हो। तो वस्तु क्या होता है ना, हमेशा सीधा बनता है। कैसा बनता है? सीधा और छोटा रहता हमेशा, ठीक है। तो आप चाहे अनंत पे बात कर लो, चाहे आप किसी पॉइंट पर आकर के बात कर लो। जैसे आपने क्या किया, अनंत पर है, आपने सीधी लाइट डाली, अब इसको जाना चाहिए फोकस से, समांतर आया है ना, तो ये जाएगा साहब, ये जाएगा फोकस से, ऐसे जाएगा, ठीक है, जाता हुआ प्रतीत होगा इसमें, ठीक है, जाएगा नहीं, जाता हुआ प्रतीत होगा फोकस से। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और जहां पे प्रतीत होने लगता है ना, वहीं पर आपका क्या बनता है? आभासी बनता है। क्या बनता है? आभासी, क्योंकि हमने आभास किया था ना, ठीक है। तो एक और लाइट से बोल लो, और एक लाइट और डाल दे, फिर ये डाल दिया, ठीक है, कोई बात नहीं, फिर आया ये फोकस पे बन गया। मतलब लाइट इसको कट किया कहाँ पर? फोकस पर किया, ऊपर थोड़ा सा कट किया, कहाँ पर? ऊपर, ठीक है। तो वस्तु से तो छोटा ही रहेगा। अच्छा, इस जो पास में है ना, इससे बोल दो, अच्छा ये जरा डाल के देख ले लाइट, चलो ये एक लाइट ऐसे डाला, ठीक है, फोकस पे आया, और इससे बोला कि तुम केंद्र पर अब डालो। कैसे डालो? केंद्र पर। तो केंद्र वाली एक डॉट डॉट लाइन पहले बना देता हूँ, ठीक है, ये ऐसे कुछ डालेगा केंद्र पर जाने के लिए, ये लाइन है, ये जैसे जैसे केंद्र पर डाला लाइट, हम जानते हैं केंद्र पर, केंद्र से डाला गया लाइट जैसे जाता वैसे लौट आता है। तो यहाँ पर गया, इसको समझ में आ गया लाइट को, कि लाइट गई थी केंद्र पर, इसलिए ये अपने पाथ पे ऐसे मुड़ जाएगा, ठीक है। तो इसका जो इमेज होगा वो यहाँ पर बनेगा। तो आप देख सकते हैं इसका जो इमेज है हमेशा कैसा रहने वाला, छोटा रहेगा, सीधा रहेगा, आभासी रहेगा, और दर्पण के दूसरी ओर ध्रुव फोकस के बीच बनेगा। आप देख सकते हैं इसी के बीच में आपका क्या बनने वाला है? प्रतिबिंब बनने वाला है। तो आप इसको ध्यान रखें, कभी भी अगर ऐसे फोटो दे दे, एक वस्तु कहीं पर रख दे, तो आप बिना सोचे समझे है ना, आप ऐसे लाइट ड्रॉ कर दें एक समांतर, ठीक है, तो ये ऐसे निकल जाएगी लाइट, इधर आपको डॉट डॉट से शो करनी है, ठीक है, किससे? डॉट डॉट से। और एक लाइट आप किस पे डाल दें, मान लो वक्रता केंद्र पर डाल देते हैं। आपको ऐसे ही फोटो बनानी है, ध्यान रखिए आपका ये सी है, तो आएगा तो इसी पास से लौट जाएगा, ये यहाँ पर कट किया तो ये आपका इमेज हो गया। इमेज देख सकते हैं सीधा है, आभासी और कैसा है? छोटा है। तो यहाँ पर हम ये बात लिख नहीं रहे हैं, यहाँ पर सब चीज़ लिखा हुआ है, आप इसको याद रखें। चलिए आइए समझते हैं ये उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के उपयोग कहाँ पर होते हैं, बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो देखिए अवतल दर्पण का जो उपयोग होता है ना, मुख्य रूप से कहाँ पर होता है? टॉर्च में होता है, सर्च लाइट में होता है, गाड़ियों के हेडलाइट में होता है,
आध में किया जाता है, क्योंकि ये क्या करते हैं ना, एक जगह लाइट को फोकस कर देते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा एक जगह मुझे लाइट मिल जाती है। ठीक है, जैसे कि जिसमें कि कोई एक बल्ब को, बल्ब है ठीक है, उसके अवतल दर्पण पर क्या कर दिया जाता है, फोकस कर दिया जाता है, तो उसकी जो किरणें होती है ना एकदम समांतर जाती हैं, एकदम समांतर, तो जिस वजह से वो रोशनी किसी पॉइंट पर क्या कर सकती है, फोकस कर सकती है और दूर तक जाती है। ठीक है, आपने देखा होगा, आपका ये मान लो एक टॉर्च है ना, आगे का एक प्लेट है, यहाँ से एक लाइट जला, तो इसको फोकस पर रखा जाता है, जब फोकस पर रखा जाएगा ये ऐसे पड़ेगा, परावर्तित होने के पश्चात ठीक है लाइट ऐसे निकलेंगी और सीधा समांतर जाएंगी। फोकस से जाने वाला लाइट कैसा होता है, समांतर होता है। ठीक है, तो एक जगह ये केंद्रित कर देंगे। आइए और इनके कुछ एग्जांपल देखते हैं, और इनका एक जगह और बढ़िया उपयोग होता है, कान नाक व गले की जांच करने के लिए डॉक्टरों द्वारा प्रयोग किया जाता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, है ना, कितना मजेदार चीज, याद रखें आप। और इसका उपयोग परावर्तक के रूप में भी किया जाता है, लाइट को अगर हमें क्या करनी है, एक ही जगह परावर्तित करनी है, ठीक है, वहां पर भी कर सकते हैं, जैसे कि आप दूरदर्शी में कर सकते हैं, टेलीस्कोप में, ठीक है, तो वहां से जो अनंत से लाइटें आती हैं उनका अगर हमें फोटो बनाना है, क्या बनाना है, फोटो, तो हम परावर्तक दूरदर्शी में इसका उपयोग करते हैं। आप जब क्लास 12th में जाएंगे तो वहां पर एक चैप्टर है ठीक है दूरदर्शी का, टेलीस्कोप का, तो वहां पर आप पढ़ेंगे। ठीक, आगे समझते हैं, आइए उत्तल दर्पण का उपयोग समझते हैं। इस दर्पण के द्वारा ठीक है, मान लो किसी क्षेत्र पर हमें क्या करना है, फैलाना है लाइट को, क्या करना है, फैलाना है, तो हम क्या करेंगे, वहां पर एक बल्ब लगा देंगे जिसकी वजह से लाइटें फैल जाएंगी, क्या होंगी, लाइटें फैल जाएंगी। तो इसका उपयोग ऐसे भी किया जाता है ठीक है, और जैसे आपने देखा होगा रोड की लाइटें, ये कौन सी लाइटें, रोड लाइटें, तो उनके जो पीछे लाइटें होती है ना, परावर्तक तल होता है ना, वो कैसा होता है, उत्तल होता है, कर्व टाइप का होता है ठीक है, और यहाँ पर ऐसे बल्ब लगा होगा, वो जब निकलेगा लाइट तो ऐसे फोकस कर देता है, मतलब फोकस नहीं करता है, चारों तरफ लाइट को क्या कर देता है, फैला देता है, तो जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। और इसका उपयोग है ना, जो अपने पास मोटरसाइकिल होती है, जो बैक में पीछे वाला जो हम फोटो देखते हैं, मान लो आपकी मोटरसाइकिल है ये, तो यहाँ पर है ना लगी होती है एक, ये आपकी मोटरसाइकिल है एक ठीक है, ये जो शीशा होता है ना, ये आपकी गाड़ी की जो शीशा होती है ना, पीछे का जो दृश्य हम देखते हैं ना, वो भी आपका किसका होता है, उत्तल का होता है, उत्तल दर्पण का होता है, किसका होता है, उत्तल दर्पण। अच्छा, उत्तल दर्पण ही क्यों लेते हैं, ऐसा इसलिए लेते हैं कि भाई उत्तल दर्पण में अभी हमने देखा है कि दूर से कोई सी भी लाइट आए, चाहे अनंत से आए चाहे थोड़ा और पास में हो, वो फोटो सीधा बनेगा, कैसा बनेगा, सीधा बनेगा ठीक है, और छोटा बन जाएगा, तो हमारा काम हो जाएगा, पीछे का फोटो मुझे दिख जाएगा क्लियर से। ध्यान रखना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो चलिए बच्चों, आपको ये समझ में आया होगा, तो अगर आपको ये वीडियो समझ में आया हो तो आप इस हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अधिक से अधिक अपने दोस्तों में ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।